थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, ताकि बीच में हमने जो इसमें जो सीक्रेट यूज किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी नेक्स्ट टाइम पर इसी तरीके से गेहूं के आटे से हल्का फुल्का नाश्ता बनाएं, वो भी अर्ली मॉर्निंग कम से कम समय में। और आप भी सुबह सुबह अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है और रोज़ रोज़ रोटी पराठा इस तरह का नाश्ता खा के अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप भी इसी तरीके से एक कप गेहूं के आटे से हल्का फुल्का नाश्ता बनाएं। और बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल हैं, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें इतनी सारी वेजिटेबल हैं और वो बड़े चाव से खाएंगे। और बच्चों के टिफ़िन में आप इस तरीके से भी ये हल्का फुल्का नाश्ता बना के दे सकते हैं और साथ में दही दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चटपटा नहीं खाते हैं, चटनी नहीं खाते हैं, तो आप दही के साथ में बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता बनाएंगे तो आपका परिवार स्वस्थ भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और सारे आपके खूब तारीफ, कम से कम समय में बन जाएगा, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और बहुत ही कम समय में ये आपका गेहूं के आटे का हल्का फुल्का नाश्ता बन के तैयार हो जाए। और एक कप गेहूं के आटे से किस तरीके से हमने ये हल्का फुल्का नाश्ता बनाया है ये आप आगे वीडियो में ज़रूर देखें, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, ताकि बीच में हमने जो इसमें जो सीक्रेट यूज किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी नेक्स्ट टाइम पर इसी तरीके से गेहूं के आटे से हल्का फुल्का नाश्ता बनाएं, वो भी अर्ली मॉर्निंग। हल्का फुल्का गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ये 1 बाउल आटा है और आटे से ही आज हम बनाएंगे सुबह सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता। अगर आप रोटी पराठा खाने से बोर हो गए हैं तो सिर्फ 1 बाउल आटे से बनाइए सुबह सुबह का करारा क्रिस्पी और स्वादिष्ट नाश्ता। उसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 1 बाउल आटा और ये 1/2 बाउल है केका आटा। अगर आपके पास में बेसन है तो आप यहाँ पे बेसन का यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास में हम मक्के का आटा है तो हम यहाँ पे मक्के का आटे का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिया है बस 1 उबला हुआ आलू है। और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक जार और जार में हम ऐड करेंगे ये जो हमने लिया है 1/2 बाउल मक्के का आटा, मक्के के आटे को ऐड करेंगे। और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने 1 बाउल आटा लिया, क्योंकि आज हमारी जो रेसिपी है वो रेसिपी है आटे से हल्का फुल्का नाश्ता। और वो किस तरीके से बनाएंगे वो आप आगे वीडियो में बने रहिए, और आटे को भी इसमें ऐड कर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने 1 आलू लिया है, आलू को भी इसमें ऐड कर देंगे। ये आलू को हमने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया ताकि जो हमारी जो हम इसे ग्राइंड करेंगे वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। ये हल्का हल्का सा भी गर्म है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, और ये वैसे भी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो वैसे भी ठंडा हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, यहाँ पे हम साबुत धनिया लेंगे, ये जो जड़ों वाला धनिया है, क्योंकि जो ये धनिया जो साबुत धनिया हम इसमें डालेंगे इस तरीके से तो जो हमारा ये पेस्ट बनेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब। हमने एक अलग से जार में हमने पेस्ट को अलग से निकाल दिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेंगे 1 से 2 चम्मच ये छाछ है, छाछ को ऐड करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे दही का इस्तेमाल करें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेंगे 1/2 स्पून घी है, घी को मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है, हल्दी को ऐड कर लेंगे और हल्दी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हल्दी को मिक्स करने का जो तरीका है हमारा वो ये है कि जो हल्दी है हमारी, हल्दी से इसमें जो कलर आएगा और जो हमारा ये पेस्ट है वो अच्छे से परफेक्ट तरीके से बनेगा, और जो हमारा हल्का फुल्का जो नाश्ता बनेगा आटे से वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर। और अब हमने घी और हल्दी को जो हमने इसमें एक साथ में मिक्स करके इसमें अच्छे से फेंट लिया है, परफेक्ट तरीके से बनेगा और इससे जो हमारी हल्का फुल्का जो नाश्ता बनेगा आटे से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनेगा। और अब हम इसमें अपने जो वेजिटेबल हैं हमारे वेजिटेबल को इसमें ऐड करेंगे। वेजिटेबल में हमने क्या क्या, और वेजिटेबल में हमने यहाँ पे लिया है ये 2 चम्मच शिमला मिर्च, 2 चम्मच पत्ता गोभी, और 2 चम्मच है यहाँ पे प्याज, और 2 चम्मच टमाटर, और 2 चम्मच है यहाँ पे बीन्स, जो हमने सबको अच्छे से बारीक बारीक करके चॉप करके पहले से रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने लिए थोड़ा सा ये है ये प्याज के पत्ते हैं,
ये हमारे पास थोड़ा सा ही थे तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज का इस्तेमाल, प्याज के पत्तों का इस्तेमाल किया। आपके पास में अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हल्का फुल्का नाश्ता बन रहा है सुबह सुबह का, जिसमें कि हमें सारे वेजिटेबल भी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चे इस तरीके से सब्जियों में शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी वगैरह खाते नहीं है बीन्स। तो आप इस तरीके से सुबह सुबह अगर हल्का फुल्का नाश्ता बनाएंगे बच्चों के लिए तो बच्चे भी बड़े चाव से इसे बड़े चाव से खाएंगे और सारा नाश्ता फिनिश कर लेंगे। तो अब इन सभी वेजिटेबलों को हम इसमें मिक्स अपने पेस्ट में, जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे धनिया लिया है, धनिया को भी उसमें ऐड कर लेंगे और सारे वेजिटेबल को इसमें इस तरीके से मिक्स करके अच्छे से ऐड करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे लिया है हमने एक पैन और पैन को हम गर्म होने देंगे। और दोस्तों मसालों में हमने यहाँ पे लिया है ये 1 स्पून नमक है, स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिए, आपको जितना नमक और मिर्च पसंद है उतना ही नमक मिर्च इसमें ऐड करें। और यहाँ पे हमने लिया है ये 1 स्पून ये वेज मसाला है, सेजवान वेज मसाला, और 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 स्पून यहाँ पे हमने लिया है ये सब्जी मसाला। और मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मिक्स करेंगे जो हम मसाला मिक्स करने से जो हमारा मसाला है ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा। और जो हम ये मिक्स कर रहे हैं इस तरीके से मसाले को, इससे जो हमारे मसाले हैं वो आपस में परफेक्ट तरीके से मिक्स हो जाएंगे और जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और देख लो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है और जो हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये बनाने के बाद में खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आटा, आलू और जो हमने यहाँ पे मक्के के आटे को एक साथ में हमने मिक्सी में ग्राइंड किया है, क्योंकि उससे क्या है कि इनका सबका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत अच्छे से बना है। और जो इसमें जो हमारा पेस्ट बना है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बना है। बाकी हमने इसमें सारे वेजिटेबल मिक्स किए हैं, क्योंकि सुबह सुबह हर किसी के पास में इतना समय नहीं होता है, सुबह सुबह की भागदौड़ होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस जाना है, तो सारे काम होते हैं। तो हमें जल्दी जल्दी में रोज़ अगर रोटी बनाने का टाइम नहीं है, रोटी पराठा सब्जी बनाने का टाइम नहीं है, तो इस तरीके से हम हल्का फुल्का सुबह का नाश्ता बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आटे से हल्का फुल्का नाश्ता बनाने का। और पैन हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़्यादा घी नहीं लेना है, बस हल्का सा जिस तरीके से हम आमलेट को फ्राई करते हैं आमलेट के लिए लेते हैं ऑयल, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी यह गेहूँ के आटे का हल्का फुल्का नाश्ता बनाने के लिए बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये घी लेना है और इसे चारों तरफ इस तरीके से फैला लेंगे। और उसके बाद में शुरू करेंगे हम गेहूँ का हल्का फुल्का नाश्ता बनाना, इसे चारों तरफ फैला लें। और देखो हमारा सुबह सुबह का हल्का फुल्का गेहूँ के आटे का नाश्ता बन के हो गया तैयार। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट। ये देखिए थाली तो एकदम एकदम लाजवाब, एकदम रेस्टोरेंट वाली थाली बनके तैयार हो गई है हमारी सुबह सुबह का हल्का फुल्का गेहूं के आटे का नाश्ता। गेहूं के आटे के नाश्ते के साथ में हमारे साथ में है यहाँ पे ये चटनी है, नॉर्मल चटनी है टमाटर प्याज और हरे धनिए की, और यहाँ पे साथ में है दही, क्योंकि चटपटा नाश्ता है तो उसके साथ में दही तो एक दही का जो दही है उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट तरीके से है। और देखिए इसका कलर देखिए, जो हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं ये देखिए इसका कलर देखिए, एकदम एकदम करारा और क्रिस्पी गेहूं के आटे का नाश्ता बनके हमारा तैयार हो गया है।